कई बार ऐसा भी होता है जैसे अभी टी ट्वेंटी का वर्ल्ड कप हुआ और भारत की टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई तो ऐसे वक्त में हमारे सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव है बड़ी डेमोक्रेटिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत मानती है बिल्कुल ट्रोल करने लग गई हर तरह की बातें कहने लग गई यहाँ तक के कैप्टन इंडिया टीम की आठ महीने की बेटी के ऊपर भी बहुत कुछ कहा गया ये हाउ डू हाउ डू लुक एट दिस साइकी ऑफ सोशल मीडिया ऑफ पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मुझे लगता है पहली बात तो सबको ये समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपको अपनी बात रखने के लिए है लेकिन किसी के कपड़े फाड़ने के लिए या फिर किसी के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करने के लिए नहीं है जो भी व्यक्ति देश के लिए खेलने जाता है उसको भली भांति पता है कि 130 करोड़ भारतीयों में से ये पंद्रह खिलाड़ी चुने गए हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो अपनी पूरी ताकत लगाकर खेलते हैं हर बार भारत ही जीते ये शायद संभव नहीं हो सकता हर बार एक ही खिलाड़ी बहुत अच्छा करे ये भी संभव नहीं होता ये टीम गेम है किसी खिलाड़ी ने अच्छा नहीं किया तो उसको धर्म के नाम पर आप उतारना शुरू कर दो किसी कैप्टन ने अच्छा नहीं किया तो बेटी के खिलाफ टिप्पणी करो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है लेकिन लोग कहेंगे कि सोशल मीडिया में कहने की इजाजत है और अगर आप कहेंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो कहेंगे ये सरकार सेंसर कर रही है देखिए ना सरकार ने सेंसर किया ना रोका लेकिन कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आने में समय भी लगता है लेकिन मैं ये कहूँगा मेच्योर कमेंट्स आए तो बहुत फायदा होगा इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से बहुत फ़ायदा भी होता है देखिए फायदा ये होता है कि कई बार मीडिया में जो खबर नहीं होती वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी कहीं पे किसी एक प्लेटफॉर्म पर आती तो भी आपके ऊपर बड़ी खबर बनती है और कई बार तो अगले दिन अखबार में छपती उससे तो लगता है यार तो कभी सुनी थी खबर पुरानी हो गई लेकिन वो पिछले दिन शायद ट्वीट की होगी शाम तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होती है तो अगले दिन बासी भी लगनी शुरू हो जाती है तो यह भी एक ताकत है उसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लेकिन साथ ही साथ उसमें एक बड़ी चुनौती भी खड़ी की है आपने थोड़ा सा अपना गुस्सा जाहिर किया था जब हॉकी इंडिया ने पुल आउट किया था 2022 के कॉमनवेल्थ गेम से ओवर डिस्क्रिमिनेटरी कोविड रूल्स आपने कहा था कि ये यूनिलैटरल डिसीजन नहीं होना चाहिए

चाहे वो मिशन ओलंपिक सेल हो टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो खेलो इंडिया जैसी योजनाएं हो इन सब के माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने का काम किया जाता है साथ ही साथ हमारा कॉरपोरेट सेक्टर आता है लेकिन जब नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने टीम पिक करनी है तो हम उसमें कहीं दखल अंदाजी नहीं करते लेकिन भारत की टीम किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी इसकी कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए So is this going to be a rule from for times to come? It's not about rule. And I think Hockey India also understands that. And they might have raised it in some context. So I can't say how they have raised it. Now the issues, most of the issues are resolved, and I'm hopeful that the team will go. Go ahead and play at the Commonwealth games? It is up to them to decide, but I think they will take the right decision. message <laughs> देखिए बहुत सारी चीजें हो जाती हैं संकेत ही काफी होता है संकेत ही काफी होता है सो हॉकी टीम इज गोइंग टू फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स लेडीज एंड लेट मी लेट मी आल्सो आस्क यू भारत में जो पहल हुई है जो टोक्यो में हमारा मेडल हॉल हुआ है उससे